अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज जो हम क्लास टेंथ के अंदर चैप्टर नंबर टू जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस सबसे पहले जो हम होम्योस्टेसिस को डिफाइन करेंगे कि बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद अंदरूनी माहौल का इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रहना, यह क्या कहलाता है होम्योस्टेसिस। बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद जिस्म के अंदरूनी माहौल का इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहना, यह क्या कहलाता है होम्योस्टेसिस। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशन एट द इक्विलिब्रियम Despite the changes in the external environment is called as the homeostasis. Maintenance of the internal condition ऑफ द बॉडी एट द इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद अंदरूनी पार्टी के हालात का इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना, यह क्या कहलाता है होम्योस्टेसिस। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, बॉडी के अंदरूनी हालात का इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहना डिस्पाइट द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद ये क्या कहलाता है होम्योस्टेसिस। अब जिस तरीके से हमारी बॉडी जो है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माहौल में टेम्परेचर चाहे माइनस में चला जाए, जहां मर्दी चला जाए, जितना चेंज हो जाए, लेकिन अंदरूनी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। बॉडी जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करती है, किसके जरिए से, होम्योस्टेसिस के जरिए से। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के हवाले से, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर ब्लड के अंदर जो है 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। अब चाहे हम ग्लूकोज जितना मर्जी ले रहे हों अपनी डाइट के साथ, ब्लड के अंदर जो है 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है, तो ये भी किसके जरिए से, होम्योस्टेसिस के जरिए से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बॉडी जो है इंटरनल कंडीशन को क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर रखती है, क्यों मेंटेन करती है। तो उसकी वजह ये है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हो गए, उनको वर्क करने के लिए एक सूटेबल मीडियम की जरूरत होती है। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 के अंदर, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर जो असर पड़ता है, इस वजह से एंजाइम को बेहतर तरीके से काम करने के लिए एक मुनासिब एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इस वजह से बॉडी जो है अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखती है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें मेंटेनेंस के हवाले से, किस चीज की मेंटेनेंस होती है, एक हो गया टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर हो गए साल्ट और वाटर। अब ये चीजें बॉडी को जरूरत है, टेम्परेचर जरूरत है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेंटेन करती है। वाटर और साल्ट की भी जरूरत है, जिस तरीके से हमने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ब्लड है उसके अंदर 95% जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर जो है वाटर होता है।
इस वजह से क्या चीज वाटर की भी जरूरत है और ब्लड के अंदर जो है पीएच को मेंटेन करने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के जो साल्ट है वो मौजूद होते हैं। अब इन चीजों की जरूरत होती है बॉडी को और इसको मेंटेन करती है। और एक है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अब लफ्ज वेस्ट आ गया है, वेस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीले मादे होते हैं जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं होती, उल्टा ये बॉडी के अंदर अगर मौजूद है तो ये नुकसानदेह होते हैं। अब इनको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है बॉडी से, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, साल्ट और वाटर को मेंटेन करना होता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना होता है बॉडी के इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए। अब इसके लिए एक अलहदा प्रोसेस है, इसके लिए एक अलहदा प्रोसेस है और इसके लिए एक अलहदा प्रोसेस है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द थर्मोरेगुलेशन। अब क्या चीज, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, अच्छा इधर हमने पढ़ा है मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी, इधर हमने पढ़ा है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब क्या चीज है, कंडीशन के अंदर टेम्परेचर भी आ जाता है, साल्ट और वाटर भी आ जाते हैं और नाइट्रोजनियस वेस्ट का रिमूवल भी आ जाता है। ओवरऑल थर्मोस्टेसिस है, अलहदा प्रोसेस जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ह्यूमन वाली की, इंसानी बॉडी जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना ये क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन। और फिर इसके बाद साल्ट और वाटर को जिस प्रोसेस में मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच इंटरनल साल्ट एंड वाटर आर मेंटेन्ड, जिसमें इंटरनल साल्ट को और वाटर को मेंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। अब क्या डेफिनेशन है इसकी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन, साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। और जिसमें हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन का, अब एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना ये एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक लफ्ज जो है ये भी इस्तेमाल होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, या फिर इसके लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एक खसूसियत है कि उनकी बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म होता है,
मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं और इन रिएक्शन के नतीजे में यूजफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं और वेस्ट भी बनते हैं। उन वेस्ट को जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये वेस्ट क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, बॉडी से रिमूव करना होता है। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट? द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक वेस्ट। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।